इंडिया इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने पेश हुए हैं। वहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर में पहुंची है। कई वरिष्ठ नेता भी दफ्तर के बाहर मौजूद है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब 23 जून को पेश होना है। सोनिया अभी कोरोना से संक्रमित है और अस्पताल में भर्ती है। इधर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस के मुख्यालय के सामने से कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वे ईडी के सामने पेशी से पहले राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 से चर्चा में आया। तब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया है। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को टीजेएल का अधिकार दिया गया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट में जमानत दे दी गई थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में पेश होने की छूट दी थी। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए बने रहे न्यूज फॉर इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.